पहले चरण में 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सिवान के विभिन्न इलाकों में लोगों से पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के विकास को देखकर मतदान करने की अपील की। पूर्वी चंपारण में लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा मंडल कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार सहित कई नेता शामिल हुए। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सह जदयू नेता अशोक चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद ने कभी भी शिक्षा की बात नहीं की। बिहार की स्वीप आइकन मैथिली ठाकुर ने पटना में कहा है कि लोगों को विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करना चाहिए। भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव के अवसर पर आज पटना में जैन संघ की ओर से अहिंसा मैराथन का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जिनके सिर पर नरेंद्र मोदी का हाथ हो उसे कोई नहीं हरा सकता है। नवादा जिले के नवोदय विद्यालय में सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से संगीत और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया गया। समस्तीपुर में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप द्वारा विभिन्न पंचायतों में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। चैत नवरात्र के छठे दिन पटना सिटी स्थित शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मां का दर्शन कर पूजा अर्चना की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा